हेलो दोस्तों, स्वागत है जानकार की एक और नई वीडियो में। आज हमारे सामने है टोयोटा रूमियोन, जो कि एक अल्टिका का रिवेज वर्जन है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इस कार के बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो इस कार में आपको देखने को मिलती हैं और किस प्रकार ये अल्टिका से अलग है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपको अब अल्टिका लेनी चाहिए या फिर रूमियोन। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। ये हमारे पास टॉप मॉडल है एल न्यू ड्राइव। इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एस, जी और एम। एस वेरिएंट में आपको सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाएगा और फिलहाल हमारे सामने टॉप ऑफ द लाइन ऑटोमेटिक वेरिएंट खड़ा हुआ है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, पियानो ब्लैक फिनिश में हनीकॉम ग्रिल देखने को मिल जाती है। सिल्वर फिनिश में टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाता है। ग्रिल के आसपास अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा क्रोम एलिमेंट देखने को मिल रहा होगा। एजिस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे बोनट पर। साथ ही हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो प्रोजेक्टर और हेलोजन का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो प्रोजेक्टर फॉर लो बीम, हेलोजन फॉर हाई बीम। इंडिकेटर आपको हेलोजन बेस्ड ही मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको फॉग लैम्प भी मिल जाता है। डोर बम्पर में भी क्रोम का यूज देखने को मिल जाता है, ब्लैक कलर का ही है। कुछ इतना ग्राउंड क्लियरेंस रह जाता है। सो कुछ ऐसी दिखती है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये देखिए। तो अगर आप डायमेंशन की बात करें तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। बाकी व्हील बेस इसमें 2700 के आसपास देखने को मिल जाता है, जो कि अल्टिका में रहता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 15 इंचेस के ब्रिजस्टोन के टायर आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है। टायर प्रोफाइल रहेगी 185/65R15 की। तो 15 इंचेस के अलॉयज मिल जाते हैं। ORVM आपको बॉडी कलर के मिल रहे हैं। 10 इंडिकेटर लाइट के साथ है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल है। रिक्वेस्ट बटन देखने को मिल जाता है। और कुछ ऐसी रहने वाली है साइड की टोटल प्रोफाइल। यहाँ पर आपको 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। और रियर से प्रोफाइल की बात करें तो कुछ ऐसी रहने वाली है। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड ब्रेक लाइट मिल जाती है। वाशर मिल जाता है, डिफोगर, वाशर, वाइपर सब कुछ रहने वाला है। यहाँ पर टोयोटा का लोगो है। थोड़ा सा क्रोम का यूज देखने को मिलता है और रूमियोन का बैच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर न्यू ड्राइव बी की बैजिंग की गई है। टेल लैम्प का सेटअप है, LED में रहने वाला है। और जो इंडिकेटर लाइट है वो आपको हेलोजन बेस्ड ही मिलने वाली है। चार पार्किंग सेंसर रहेंगे, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ इतना ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा। स्पेयर व्हील वगैरह वो नीचे की ओर माउंट किया गया है, तो हुक देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आपको कैमरा भी देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी बढ़िया है। बूट स्पेस की अगर बात करें तो कुछ इतना आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। हालांकि सीट आपको 50-50 स्प्लिट सीट मिल जाती है, यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हैं। थर्ड रो में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाले हैं और यहाँ से कुछ आप सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए आपको सीक्रेट स्पेस देखने को मिल जाता है। ये देखिए स्पेयर व्हील के लिए बोल्ट यहाँ पर माउंट किया गया है, यहाँ से आप स्पेयर व्हील ओपन कर सकते हैं। और टूल किट वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यहाँ रखी रहती है। बाकी बीच के सेक्शन में अभी पड़ी हुई है, तो कुछ इतना आपको अभी बूट स्पेस इसमें मिल रहा है। चलिए सेकंड रो की बात करते हैं। सो क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल मिलेंगे और ये देखिए पूरी ही टोन जो है वो बेजी सी रखी गई है। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में डोर हैंडल मिल जाता है, पावर विंडो के कंट्रोल, थोड़ा सा स्पेस, स्पीकर, बोतल होल्डर और यहाँ पर थोड़ा पेपर वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है। सीट की बात करें तो नो डाउट कम्फर्टेबल है। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिलने वाली हैं, सीट बेल्ट वगैरह, ISOP सेफ्टी माउंट वगैरह। बीच में आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपको लेग स्पेस देखने को मिलेगा। टूल किट वगैरह पड़ी हुई है, बाकी बैठ कर दिखा देते हैं। कंफर्टेबल सीट है, बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है आपका एक्सपीरियंस। यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से, पैर वगैरह भी आप थोड़ा बहुत स्ट्रेट कर सकते हैं। थर्ड बोर्ड का चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। AC वेंट की बात करें वो सारे यहाँ पर माउंट किए गए, तो ऊपर की ओर आपको AC वेंट मिलने वाले हैं। ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं ऑटो फोल्डेबल, ये देखिए पीछे की साइड स्टक रहने वाले मिलेंगे। और यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैंप भी मिल जाती है। अब बात करें थर्ड रो में एंट्री कहाँ से होगी, तो नो डाउट दोस्तों आपको सेकेंड रो से ही एंट्री मिलने वाली है। तो यहाँ से दिखाते हैं आपको, तो थर्ड रो में आप यहाँ से एंट्री लेंगे तो सीट यहाँ से टंबल हो जाती है। ऐसे यहाँ से इसको भी फोल्ड कर सकते हैं, ये देखिए, और फिर आप डायरेक्ट इसको आगे ऐसे खिसका सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है थर्ड रो में जाने के लिए। और थर्ड रो में कम्फर्ट अच्छा है। देखिए सीट जो है अल्टिका में आपको मिलती है वो थोड़ी सी पतली रहती है। यहाँ पर देखिए कुशनिंग वगैरह प्रॉपर की गई है। और अगर आप बैठते हैं तो ये देखिए, मतलब मेरी हाइट अप्रॉक्स 5'9" के आसपास है, 5'9" 5'10" के आसपास है। फिर भी देखिए इसमें अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है थर्ड रो में। और अंडर थाई सपोर्ट, क्योंकि पैर पूरी तरह से पसार नहीं पा रहा हूँ जिस वजह से थोड़ा कम है, बाकी बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पर आपको बोतल होल्डर और 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है थर्ड रो के लिए।
तो ये सारा स्पेस इसमें है। तो अगर आपकी हाइट 3 या 4 या 5 के आसपास है, 4.5-5 के, तो आप बहुत इजीली इसमें बैठ सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल होके। तो ये है थर्ड स्पेस की बात, और इसको मैनेज करना काफ़ी इजी है, बच्चे भी इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। सिंपल था, ऐसे पीछे को करिए और यहाँ से ऐसे खिसका दीजिए, तो ये चली गई पीछे। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, टॉप मॉडल है, सारी ही सीट पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की, सो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट बटन देखने को मिलेगा, और ये देखिए वुडन फिनिश देखने को मिल रही है, क्रोम में डोर हैंडल है, पावर विंडो का कंट्रोल है, साथ ही ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है वो ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ आती है। एक बार अप करेंगे तो ऊपर हो जाएगी, नीचे करेंगे नीचे आ जाएगी। थोड़ा सा स्पेस है, बोतल होल्डर है और स्पीकर मिल जाता है। व्हील लोड ओपन करने के लिए लीवर यहाँ पर दिया जा रहा है, और ये ऑटोमेटिक वेरियंट, सो एक्सिलेशन ब्रेक, और वहाँ पर मिल जाता है आपको जेड पैडल। नीचे बोनट खोलने के लिए आपको एक हुक मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रहता है। यहाँ पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवल के लिए बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वुडन फिनिश, और यहाँ पर मिल जाता है एसी वेंट। और ये है लुक कुछ फ्रंट केबिन का। सीट हाइट एडजस्टेबल है, मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कंफर्टेबल है नो डाउट, काफ़ी बढ़िया लंबर सपोर्ट है, अंडर थाई सपोर्ट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहने वाली हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार रहेगा अगर आप बैठते हैं। चलिए बाकी बातें हम बैठ के ही कर लेते हैं। सो कुछ ऐसा रहने वाला है लुक अंदर का, कि हम दिखाई चुके हैं, यहाँ पर रख देते हैं। सो ये देखिए स्टेयरिंग व्हील, सो देखिए कुछ ऐसा स्टेयरिंग व्हील मिलेगा आपको, लेदर स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, थोड़ा सा वुडन फिनिश है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल और वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल रहा है, SRS एयरबैग की ब्रांडिंग मिल जाती है, बीच में टोयोटा का लोगो, हॉर्न मिल जाता है, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम वगैरह मोड वगैरह के कंट्रोल मिल जाते हैं, म्यूट का बटन मिल जाता है, साथ ही इधर साइड मिल जाता है आपको क्रूज कंट्रोल। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो ये हो गया टिल्ट, केवल टिल्ट ही आता है, सॉरी टेलीस्कोपिक आपको नहीं देखने को मिलेगा। साइड में बात करें आर्मरेस्ट मिल जाता है छोटा सा, जिसमें कि थोड़ा सा स्पेस भी है। क्रोम टिप के साथ पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, और यहाँ पर मिल जाता है आपको गियर नॉब, थोड़ा सा क्रोम का यूज किया गया है, सॉफ्ट टच के साथ है। बाकी पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, मैनुअल, ये सारी चीज़ें हैं। स्टेयरिंग व्हील में आप देख सकते हैं पैडल शिफ्टर भी आपको देखने को मिल रहे हैं, बाकी वाशर एंड वाइपर के कंट्रोल हैं, उधर साइड हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ देखें तो एसी वेंट दो छोटे छोटे यहाँ पर रखे गए हैं, ग्लास वगैरह ठंडा रखने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और USB पोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर बात करें AC की, तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, सभी चीज़ें यहाँ पर दी जा रही है। हैजार्ड बटन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है इंफोटेनमेंट स्क्रीन, लगभग 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाता है। सिंगल टोन में डैशबोर्ड है, यहाँ पर सारी थीम ब्लैक कलर की रखी गई है, जो एयर वेंट है वो सब कुछ ब्लैक ही है। ऊपर की ओर देखें तो SRS एयरबैग की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पर देखें तो कुछ इतना स्पेस मिल जाता है ग्लोव कंपार्टमेंट में, और वाइजर में देखें तो विनर मिल जाता है, इधर साइड देखें तो टिकट होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप मिल जाती है, और मैनुअली डिमिंग IRBM है, जिसे आप मैनुअली कंट्रोल करेंगे। सो अब बात कर लेते हैं क्लस्टर की। सो ये देखिए दो डायल आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें। सो ये रहा आपका स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज के लिए, और यहाँ पर टैकोमीटर और टेम्परेचर के लिए। बाकी स्टार्ट कर लेते हैं कार को एक बार। यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन कार की देखने को मिल जाएगी, जैसे कि लो फ्यूल वार्निंग है, ट्रिप मीटर है, ट्रिप समरी, ये देखिए, और फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। ओके, इसमें देखिए मोशन फ्रंट वगैरह, टॉर्क, पावर, एक्सीलरेशन, इंजन, बैटरी, मोटर, ये सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूल गेज वगैरह ये देख सकते हैं, टेम्परेचर और टाइम वगैरह भी देखने को मिल रहा है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो ये देखिए कुछ ऐसी रहने वाली है, सेम वही फील है जैसी आपको ब्रेजा में देखने को मिलती है और अल्टिका में देखने को मिलती है। एंड्रॉयड सिस्टम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर व्हीकल की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं आप। ये देखिए सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, अलर्ट, बैलेंस एडर, तो ये सारी चीज़ें। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन है। बाकी साउंड के लिए मैं रील बना के डाल दूँगा, अगर आप सुनना चाहें तो इंस्टाग्राम पर सुन सकते हैं। तो ये सारी बात हो गई इंटीरियर की, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इसके इंजन यूनिट की। सो यहाँ से ओपन करते हैं बोनट को। तो ये देखिए ऐसा देखने को मिलेगा आपको इंजन, इसमें आपको 1.5 लीटर का K सीरीज वाला इंजन देखने को मिलेगा, सेम एज जैसा अल्टिका में मिलता है।
101 bhp की पावर जनरेट करेगा, 136 nm का टॉर्क मिल जाएगा। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में आपको लगभग 20-21 का माइलेज देखने को मिलेगा और CNG वेरिएंट में 26 का क्लेम करती है। आप मोटा मोटा मान के चलो 23 से 24 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसा रहने वाला इंजन, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इंजन है। आपने अल्टिका चलाई है तो आपको पता ही होगा क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो बंद कर लेते हैं। ओके, सो थ्रड साउंड भी काफ़ी बढ़िया। आई थिंक टोयोटा ने बिल्ड क्वालिटी पे थोड़ा काम किया है, बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी इन्हेंस हो गई है। यहाँ पर आपको दो वाशर भी मिल जाते हैं फ्रंट में। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो आपको टोयोटा रोमियोन में देखने को मिलेंगी। स्पेशल थैंक्स टू ओम टोयोटा जिन्होंने हमें ये कार प्रोवाइड कराई। अगर आपको बुकिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आप शोरूम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, आपको टोयोटा रोमियोन लेनी चाहिए या फिर अल्टिका लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, कार में कोई चेंजेस नहीं है, सेम कार है, बस फीचर्स थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं। जैसे अगर आप टोयोटा रोमियोन लेने जाते हैं तो इसका बेस मॉडल की प्राइस है 10,29,000 रुपये, एक्स शोरूम जाती है 13 लाख तक। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग आपको 15 लाख के आसपास पड़ेगा। एक्स शोरूम प्राइस इसका 13 मान लो, 13 लाख एक्स शोरूम है। अगर आप अर्टिका लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन 8,64,000 से देखने को मिल जाते हैं और ऑन रोड तो 13 लाख के आसपास जाती है। बट यहाँ आपको 3 साल तक 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने को मिलती है जो कि अर्टिका में केवल 40,000 की है। ये एक ड्रॉबैक है। साथ ही इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर देखने को मिल जाता है, पैडल शिफ्टर देखने को मिल जाते हैं और कंफर्ट जो है कहीं ना कहीं मुझे इसमें ज़्यादा लग रहा है। सीटिंग कैपेसिटी है, जो लेग स्पेस है, जो कुशनिंग वगैरह है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी इसकी इनहेंस कर दी गई है आई थिंक। यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर मिल जाता है। साथ ही एक चीज़ और है, ये जो वाइपर आप देख रहे हैं ये रेन सेंसिंग वाइपर है। ये चीज़ बढ़िया है जो इसमें मिल जाती है। थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ों पर काम किया है और थोड़ी इन्हेंस कर दी गई, बाकी सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। डिफरेंट ज़्यादा है नहीं, चलने मनने में कार सेम ही लगने वाली आई थिंक। सभी चीज़ें सेम है, टायर वगैरह सेम है, बस टोयोटा का लोगो बदल दिया गया है। बस यही सारे चेंजेस हैं, बाकी कार दोनों ही सिमिलर है। डिपेंड करता है आपको किस पे दिल आता है, किसकी आपको परफॉर्मेंस बेहतरीन लगती है। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और सारे डाउट क्लियर हो गए। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही कार्स एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। बाकी जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।